भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त उपमंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक बेंगलुरु में शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का किया विमोचन। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन के रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। और मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने कवर्धा में किया प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक 24 और 25 फरवरी को कर्नाटक में होगी। उससे पहले आज G20 देशों के वित्त उप मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक आज बेंगलुरु में शुरू हो गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बैठक का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि G20 के वसुधैव कुटुंबकम की थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक मनुष्य पर सभी जीवन मानव पशु पौधों के मूल्य को बेहतर बनाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के प्रभाव का सामना कर रही है। G20 पूर्वगामी वैश्विक समाधान खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। कोविड-19 पेंडेमिक, फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी, ब्रॉड बेस्ड इन्फ्लेशन, हाइब्रिड डेट, vulnerabilities, worsening climate change, and geopolitical tensions. The impact of all these crises can set back progress on the world's key development priorities. The G20 can make significant contribution to find pragmatic global solution, thorough focus dialogue. वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में आज शाम G20 में भारत की अध्यक्षता में संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक शुरू हो रही है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी उपस्थित रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री नड्डा ने कहा कि अतीत की तुलना में आज का भारत कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाता नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष इसका स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जटिल मुद्दों पर कड़े फैसले ले सकता है। Great opportunity for me, and it's a matter of happiness also for me for giving me this opportunity to release the book which is named as Modi Shaping a Global Order in Flux. And as Mr. Chinoy has talked about the book, it also gives me a pleasure to be here amongst you and to discuss few points about the book. श्री नड्डा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई कठोर निर्णय लिए हैं और वंचित महिलाओं और आदिवासियों को शक्तिशाली बनाया है। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन आज सुबह राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचे। विमानतल परिसर स्थित नवीन स्टेट हैंगर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल अनुभवी राजनेता है। वे 5 बार विधायक रहे, अनेक विभागों के मंत्री रहे और राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी।
छत्तीसगढ़ को उनके अनुभवों का लाभ जरूर मिलेगा। नए राज्यपाल का स्वागत करने वालों में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी प्रमुख रूप से शामिल थे। राज्यपाल श्री हरिचंदन विमानतल से राजभवन पहुंचे, जहां राजभवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उनका स्वागत किया। इसके बाद नए राज्यपाल ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी राजभवन में कल 23 फरवरी को सुबह 11:30 बजे मनोनीत राज्यपाल को पद की शपथ दिलाएंगे। मोर आवास मोर अधिकार के तहत भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विधानसभावार आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद गांधी मैदान में सभा का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वंचित हितग्राहियों ने रैली की शक्ल में वन मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर के कार्यालय के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबों के सिर की छत छीनने का काम कर रही है और हर मोर्चे पर विफल है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी तरह मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा जिले के नवागढ़ में विधायक के निवास के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान जनसभा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, दयाल दास बघेल, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, लाभचंद बाफना, अवधेश चंदेल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में यूथ 20 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में यूथ 20 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में विश्व शांति में भारत की भूमिका इस विषय पर छात्र छात्राओं को 1000 शब्दों में निबंध लिखना था। परिचर्चा में संचार क्रांति का बढ़ता प्रभाव, इस विषय पर छात्र छात्राओं ने अपनी बात रखी। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद राष्ट्रीय सेवा योजना की जिला संगठक डॉक्टर मालती तिवारी का कहना है कि विश्व शांति संचार क्रांति के प्रति युवाओं को जागरूक करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अधिकारी डॉक्टर नीता वाजपेयी हैं। बहुत सारे ऐसे विषय इसमें दिए गए हैं जिसमें हमने दो विषय पर महासमुंद जिले में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। एक तो निबंध में है विश्व शांति में भारत की भूमिका, ये विषय हमने लिया है, और परिचर्चा का विषय है संचार क्रांति का बढ़ता प्रभाव। ये दो विषय का हमने चयन इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हमको ये लगा। ये विषय की उपलब्धिता यही है, इसकी उपयोगिता यही है कि विश्व शांति के लिए आज युवा के मन में, युवाओं के दृष्टिकोण क्या है। वहीं प्रतिभागियों का कहना है कि दूसरे देशों को भारत से सीख लेनी चाहिए कि भारत ने कभी भी क्षेत्रीय प्रसार के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया है। भारत हमेशा मित्रतापूर्ण व्यवहार ही करता है। शांति में मैं यह कहना चाहूंगी कि जो अदर कंट्रीज है, अदर देश है, उनको हमारे भारत देश से बहुत कुछ जो गुण है वो आत्मसात करना चाहिए। जैसे हमारे भारत देश का अभी तक का इतिहास रहा है कि हमने कभी भी क्षेत्रीय प्रसार के लिए किसी अदर देश पर कभी भी हमने अपने से आक्रमण नहीं किया है। और हमारा जो भारत देश है वो मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है अदर देशों के साथ। इस कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता और परिचर्चा प्रतियोगिता में भाग लिया। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बल के जवान ग्रामीणों का विश्वास जीतने के लिए अनेक सिविक एक्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही सुरक्षा बल के जवान ग्रामीणों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और विभिन्न गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों द्वारा कांकेर जिले के अंतागढ़ के पोंड गाँव में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस और BSF के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ पारंपरिक सामूहिक नृत्य किया।
पेश है इसकी एक झलक। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। कबीरधाम जिले के कोंडा थाना क्षेत्र में 22 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। मोबाइल टॉवर लगाने के नाम से अज्ञात मोबाइल नंबरों द्वारा प्रार्थी को अपने झांसे में लेकर अलग अलग बैंक खातों से करीबन 22 लाख रुपए की ठगी की गई है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर कोंडा पुलिस थाने में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। इस मामले में 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ठगी में उपयोग किए गए 9 बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया है। घरेलू सामान पर 50% छूट देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में एक दुकान संचालक को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2 महीने पहले राजनांदगांव स्थित तुलसीपुर में एक दुकान खोलकर सस्ती दर पर घरेलू सामान देने का झांसा देकर लोगों से पैसे जमा करवाता था। इस दुकान से सैकड़ों लोग जुड़ गए थे। दुकान अचानक बंद होने के बाद शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया। कार में सवार व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकालने वाले 2 ग्रामीणों को जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जांजगीर के पास एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई थी। पास में ही काम कर रहे हरवंश धीवर और नेत्राम सूर्यवंशी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए नहर में कूद कार में सवार व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली शारीरिक समस्याओं का निराकरण करने के लिए दुर्ग में संभाग स्तरीय परीक्षण और मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वरिष्ठ नागरिक जनों के नेत्र, कान, नाक, गला और दांत का परीक्षण किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य जांच के साथ ही सभी वरिष्ठ नागरिकों को छड़ी, नकली दांत, चश्मा, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र आदि उपकरण का वितरण भी किया गया। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त उपमंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक बेंगलुरु में शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का किया विमोचन। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। और मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने कवर्धा में किया प्रदर्शन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।